नमस्कार दोस्तों, मनुष्य के जीवन में बातचीत का बड़ा महत्व है। हम अक्सर अपनी बातें रखने और दूसरों की बातों को समझने के लिए बातचीत पर बड़ा जोर देते हैं। हम में से कुछ लोग बड़ी अच्छी बातचीत भी करते हैं, तो क्या इस बातचीत के पीछे किसी तरह की डिज़ाइन भी होती है? इसी बात को समझने के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका नाम है डिज़ाइन गुफ्तगू। और हमारे साथ हैं सैयद मोहम्मद इरफान, यानी कि इरफान जी, जिन्होंने राज्यसभा टीवी के एक मशहूर कार्यक्रम गुफ्तगू के जरिए लगभग 450 हस्तियों से सफल बातचीत करी है। जिनसे बातचीत करेंगे हमारे विभाग में कार्यरत रवि शेखर जी, जो एक फिल्म मेकर और गुफ्तगू के बड़े प्रशंसक रहे हैं। अनूप ने यह टाइटल दिया डिजाइन गुफ्तगू, तो मैं तो उछल गया। मुझे लगा कि वाह, ये टाइटल हुआ कुछ, कि ये गुफ्तगू के पीछे क्या डिजाइन है, कैसे ये सोच बनी। तो सबसे पहले इरफान जी, आप ये बताइए कि गुलजार साहब तक आप कैसे पहुंचे? वो पहला एपिसोड था? असल में गुलजार पहला एपिसोड तो नहीं थे, पहला एपिसोड हमारा रब्बी शेरगिल के साथ, मैं कहूँगा कि था रब्बी शेरगिल, जो बुल्ला की जाना मैं कौन, शायद आप लोगों की याद में बिल्कुल नहीं होगा। एक आज से 15 साल पहले वो एक अच्छा वायरल गाना हुआ। चूंकि मेरे लिए वो एक पहला प्रोग्राम था, पहला मतलब राज्यसभा टीवी के लिए पहला प्रोग्राम, और गुफ्तगू को एक नए सिरे से डिफाइन करना था। गुफ्तगू का मतलब आप लोग जानते हैं कि बातचीत, समझिए कि जैसे कि कॉन्वर्सेशन, उसी का एक आसान सा शब्द है गुफ्तगू, जिसमें हम लोग बैठ कर के इस पर बातें करें कि आप कौन हैं और कैसे आपने अपने करियर में कुछ अचीव किया, कैसे आपके फॉर्मेटिव ईयर्स क्या रहे, अर्ली इंप्रेशंस क्या रहे, आपके फैमिली फ्रेंड्स आपके पीयर ग्रुप का क्या आपके ऊपर असर है, और कैसे आपने अपने करियर को मेथोडिकली अप्रोच किया, उसमें सक्सेसेस फेल्योर्स आपके ड्रीम्स आपके कंसर्न्स क्या हैं, ये ही बातें हम लोग उसमें करते हैं। उसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है कि मेरे पास कोई 11 सवाल हैं, ऐसा नहीं, टॉकिंग पॉइंट्स लेकर ही मैं वहाँ पर था, तो वो एक तरह का मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था। गेस्ट को लाइनअप करना हमारे प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि वो सब लोग अपने अपने बिजी शेड्यूल में होते हैं और आपके कंफर्ट के हिसाब से वो अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए आपको एन नंबर ऑफ पीपल को अप्रोच करते रहना पड़ता है। उसमें से जो लोग भी राजी होते हैं उनके साथ आप एक सर्टेन टाइम फ्रेम के बीच में, तो गुलजार साहब को भी मैंने इसी तरह से मैसेज छोड़ के रखा हुआ था कि आपके साथ एक बातचीत करनी है, एक तरह से मेरी तरफ से अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट। आपके पास ईमेल आईडी होता है तो आप ईमेल करते हैं, आपके पास फ़ोन नंबर होता है कॉल करते हैं, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, एजेंट है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, इस तरह से रीच आउट का आप मैसिव एक माहौल बना कर रखते हैं, ताकि वीकली शो है और हमेशा आपको हर हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ बैठकर बात करनी होती है, तो आपके पास एक फ्यूचर लाइनअप होना चाहिए। गुलजार साहब के साथ करीब 6 महीने ये लुका छिपी चलती रही। आखिरकार उन्होंने पूछा मैसेज में कि आप पूछेंगे क्या, मैं तो पिछले 40 वर्षों से उन्हीं सवालों के जवाब दे रहा हूं। तो मैंने कहा मैं आपसे कुछ अटपटे सवाल पूछूंगा, तो वो हंस दिए। मैं समझता हूं कि वो एक तरह का ऐसा आइस ब्रेक करने का एक मोमेंट था। मुझे लगा कि अब ये एक पहले तो चीज़ के ये अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा, और उसके बाद फिर मुझे लगा जब वो कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ कि ये एक अच्छी बातचीत होगी। गुफ्तगू के केस में मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक संगीत की तरह है, उसमें अगर सही सुर लग गए तो हम, हमारा मेहमान और हमारा दर्शक तीनों एक ऐसी संगीत की सरस धारा में डूबने लगते हैं। वो एक ऐसा आनंद बिल्ड होता है जिसका कोई डेफिनेशन अभी फ़िलहाल मैं नहीं कह सकता। मैं कह सकता हूँ कि संगीत में मेरी गहरी दिलचस्पी भी उसका एक कारण है, और इसके अलावा दर्शकों का वो प्यार जो शायद इस वजह से मिला कि जो उनकी जिज्ञासाएं हैं वो मेरी भी जिज्ञासाएं हैं, उस नाते उसको रेसिप्रोकेट करना उसका एक कॉन्शियस एफर्ट मेरी तरफ से रहता है। तो आपने जो गुलजार साहब वाला सवाल पूछा उसका ये जवाब पूरा हो गया है। मुझे याद आता है कि आपने एक शेर पढ़ा था, और आपको तुरंत याद आ जाएगा कि वो शेर आपने कब और किस संदर्भ में पढ़ा था।
सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ये अहमद फराज का शेर है और ये जो है जसदेव सिंह के इंटरव्यू के दौरान आपने बोला था। और जब हम जवान हो रहे थे उस वक्त दो लोग हमारे सुपरस्टार थे, हम लोग रेडियो के फैन थे तब तो टेलीविज़न नहीं था, और वो सुपरस्टार थे अमीन सायानी और जसदेव सिंह। तो आप के भी रेडियो के दिनों में ये लोग एक स्टार रहे होंगे, और आप उनसे कैसे अपने आप को रिलेट करके देखते हैं? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। मतलब करीब करीब यहाँ बैठे हुए 95-98% जो प्रतिभागी पार्टिसिपेंट्स हैं, लिसनर्स व्यूअर्स हैं, वो शायद इस बात को समझ नहीं सकते कि हम लोग एक तरह से कम्युनिकेशन डिप्राइव्ड लोग हैं, उस जनरेशन के हैं जिसमें हमारे पास कम्युनिकेशन के वो एन नंबर ऑफ मींस नहीं थे। हमारे पास प्राइमरली रेडियो होता था, रेडियो ऑडियो विजुअल में अगर जाएं ऑडियो में तो रेडियो होता था, रेडियो में भी शॉर्टवेव होता था, शॉर्टवेव और मीडियम वेव। अब शॉर्टवेव और मीडियम वेव आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि वो होता क्या चीज़ है और वो कैसा साउंड करता है रेडियो में। पुराने वॉल्व वाले रेडियो होते थे, उसमें 5-5 बैंड के, और बड़ी मुश्किल से उसमें एक एंटेना लगाकर, एक ज़माने में रेडियो में लाइसेंस होते थे, रेडियो सुनने के लिए आपको एक लाइसेंस की एक मंथली फीस जमा करनी पड़ती थी, 12-13 रुपए, हाँ कुछ ऐसा, और बहुत स्ट्रिक्ट था उसमें मामला कि अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया तो आपको पनिशमेंट पेनल्टी देनी पड़ सकती। रेडियो, इसके अलावा प्रिंट, अखबार और मैगजीन्स, टेलीविज़न जब तक आया, ख़ासतौर पर अगर 82 एशिया गेम्स की बात करें, टेलीविज़न हम लोग के यहाँ आया, तो एक तरह से कहिए कि जानने की एक भूख हमेशा रही। तो ऑल इंडिया रेडियो, वो जो कन्वेंशनल रेडियो ब्रॉडकास्ट हैं वो, इसके अलावा मेरे लिए तो बीबीसी, मैं कहूँगा बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो बीजिंग, ये सब रेडियो स्टेशन थे जिसके ज़रिए मुझ तक रेडियो वेव्स के ज़रिए कुछ इन्फॉर्मेशन और प्रोग्राम और म्यूज़िक पहुँचा करता था। जसदेव सिंह की बात अगर करिए, या फिर मेलविल डिमेलो की बात कीजिए, या फिर अमीन सायानी की बात कीजिए, या फिर तबस्सुम की बात कीजिए, गोपाल शर्मा, ये रेडियो स्टार्स हुआ करते थे। और मतलब टेलीविज़न के सेलिब्रिटीज़ इमेजिन नहीं कर सकते कि रेडियो सेलिब्रिटीज़ क्या होते थे। और अभी हाल तक मैं कहूँगा कि 15 साल पहले तक, मैंने जब FM पर रेडियो जॉकी के तौर 12-13 साल काम किया, वो एक ऐसा 1-to-1 रिलेशनशिप होता है। मतलब आप अपने ईयरप्लग के साथ, अगर रेडियो जॉक बोलेगा कि रात के 11:10 हो गए हैं और मैं हाजिर हूँ आपके सामने ये प्रोग्राम लेकर, 0 आवर शो, नमस्कार, आपके मन से खुद ही मन ही मन निकलता है नमस्कार, आपको कोई कंपेल नहीं करता, वो आपका 1-to-1 रिलेशन बन जाता है आपके प्रेजेंटर के साथ, और वो बहुत पर्सनल होता है। वो टेलीविज़न वालों ने कभी इन्जॉय नहीं किया, कभी कर भी नहीं पाएंगे। मैं तो अपने ये 500 एपिसोड करके देखता हूँ कि वो फैन फॉलोइंग जो मैंने रेडियो में इन्जॉय की है, मतलब लोग प्रोग्राम सुनकर रो रहे हैं, आपको फ़ोन कर रहे हैं, फिर वो इस तरह का घरेलू रिश्ते बन जाते हैं कि आपने जिसने आपको फ़ोन किया उसका आपने फ़ोन नंबर ले लिया, उसके आप घर गए, उससे मिले, उसने आपको खाना खिलाया, व्हाटएवर जो भी चीज़ें घर में, जो बड़े बूढ़े हैं वो आपको झप्पियाँ दे रहे हैं, वो एक ऐसा, आप उनके जीवन में ऐसे रस घोलने वाले व्यक्ति की तरह होते हैं। रेडियो की बात अगर कीजिए, और आज भी अमीन सयानी आज जिंदा है, तबस्सुम अभी हाल में मरी, मतलब आप सोचिए कि हम उसी हवा में सांस दे रहे हैं जिसमें एक ज़माने के बड़े रेडियो स्टार अमीन सयानी हुआ करते थे, वो अभी भी उसी हवा में सांस ले रहे हैं। तो जसदेव सिंह, जसदेव जी के साथ जब मैंने टेलीविज़न के लिए इंटरव्यू किया, उससे पहले मैं IIMC में जब पढ़ा रहा था, तो एक दिन मैंने उनको क्लास देने के लिए बुलाया कि कैसे आप लाइव कमेंट्री कैसे करते हैं, इसको, इस पर अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तब मैंने उनके साथ एक इंटरव्यू अलग से रिकॉर्ड किया था, वो बहुत पहले की बात है। तो अगर कहें कि जो वेटरन्स थे, और उसमें से अमीन सयानी अभी हैं जिंदा, तो ये लोग तो बहुत एक मतलब इंस्पिरेशन रहे हैं। तो जसदेव जी की बात का ये है जवाब जी। तो इस, मैं ये कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इंटरव्यू का प्रोसेस, ये बातचीत की डिज़ाइन कैसे ऐसे बनी,
500 एपिसोड करते करते स्टेप बाय स्टेप चलते चलते ये कैसे डिजाइन बनी? एक तो ये आप समझिए रवि जी कि हम लोगों के यहाँ जो एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म था और अभी भी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रमोशन से जुड़ा हुआ है, मतलब उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट टेलीविजन और उसके इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। जो बात और हम और अनिर्बान अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि कैसे वो सेलिब्रिटीज़ जो अदरवाइज दूसरे टीवी टीआरपी चैनलों पर जाकर के उन अलग से एटीट्यूड दिखाते हैं उनके साथ हमारे घरेलू रिश्ते जैसे बन जाते हैं। उनके घरों में अगर हम बॉम्बे में होंगे या कहीं किसी दूसरे शहर में होंगे और वो वहाँ हैं तो वो हमको निजी तौर पर बुलाकर कोशिश करते हैं कि हमारे साथ एक डिनर रखें, हमारे साथ बातें करें, तो हमारा और उनका एक ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्ड होता है। अदरवाइज एक इतना कॉमर्शियल रिलेशनशिप है जो एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म है उसमें भी जिसे कहते हैं कि कमोडिफिकेशन, कि आपने एक सेलिब्रिटी को वहां तक पहुंचाया और फिर उसका दोहन कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया और उस कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के प्रोसेस में अगर उसका ऑरा खत्म नहीं हुआ उसके ऑरा को और ज्यादा मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट करना आपके शो के इंटरेस्ट में होता है। मतलब ये जो कमर्शियल टेलीविजन है या कमर्शियल कम्युनिकेशन इकोसिस्टम है उसमें वो कोशिश करते हैं कि किसी सेलिब्रिटी को इतना बड़ा एक डेमी गॉड की तरह बना दो जिससे कि उसका जो उसके पीछे का जो ह्यूमन स्केलेटल है वो सामने ना आए। मेरी लड़ाई असल में उससे थी और जब शुरू हमने किया भी ये शो तो शुरू शुरू में ये बात कही जाती थी कि देखिए ये 2011 में शुरू किया, मतलब इस ब्रांड नेम से जब राज्यसभा टेलीविजन स्थापित हुआ 2011 में तो 2011 में ही ये शो हमने शुरू किया और इसी नाम से अभी तक ये चल रहा है, मतलब पिछले 12-13 वर्षों से इसी नाम से चल रहा है। और इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री में ऐसा कोई शो नहीं है जो इस तरह के नेचर का सेलिब्रिटी टॉक शो जो इस तरह से अनइंटरप्टेड वीकली टेलीकास्ट हो रहा हो, बनाया गया हो और लॉन्ग फॉर्म में हो, यानी कि 25-30 मिनट तो आमतौर पर, फिर 40 मिनट, 50 मिनट, एक घंटे, डेढ़ घंटे, कोई कोई 2 घंटे, 2.5 घंटे और 3 घंटे तक के भी कॉन्वर्सेशन यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। तो शुरू में ये कहा जाता था कि इतनी लंबी बातचीत कौन सुनेगा, ये बहुत एक टकराव की चीज़ होती थी कि लोग पूछते थे कि इतने लंबी बात कौन सुनेगा। आजकल तो अटेंशन स्पैन बड़ा कम है, 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम, अब रील के केस में तो वो लेस देन 1 मिनट 58-59 सेकेंड का होने से ही वो रील कहा जाएगा। तो कंटेंट कंजम्पशन का जो पैटर्न है एक पूरी जनरेशन का उसमें ये मान लिया गया कि उनका अटेंशन स्पैन कम है इसलिए आप 2 मिनट 2.5 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम आप कोई कॉन्वर्सेशन चला सकते हैं। लेकिन जब इसको चलाया और मेरे पास कॉम्प्लीमेंट आना शुरू हुए कि आप अपने गेस्ट को बोलने देते हैं तो मुझे लगा कि ये कोई कॉम्प्लीमेंट लेने की कोई चीज़ नहीं है, मेरा तो काम ही है कि मैं अपने गेस्ट को इसलिए लाया कि मैं जान सकूं कि उसका जो उसका उस पर्टिकुलर जगह तक पहुंचने का सफ़र क्या है, क्योंकि उसके सफ़र से आप भी कुछ सीख पाएंगे एज अ व्यूअर, आप उसके लोज और हाइज के साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आखिरकार हम सभी इंडियन सोसाइटी में रहते हैं और हम सभी कमोबेश एक सिमिलर फाइनेंशियल सोशल बैकग्राउंड के होने के नाते हमारे सामने सिमिलर सवाल होते हैं। मसलन के लड़कियों के सामने ये सवाल हो सकता है कि वो आगे की पढ़ाई करें कि ना करें, या फिर मिडिल क्लास फैमिली में आर्ट और कल्चर के फील्ड में करियर परसू करने को एक बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता रहा, नाटक करने मतलब क्या नौटंकी करता है, इस तरह से गाना गाता है तो क्या नचनिया गवनिया, इस तरह से हमारे यहाँ आर्ट कल्चर की फील्ड को एक पर्टिकुलर टाइम तक और शायद आज भी बहुत सारे टाउनशिप में और गांव में इसी तरह देखा जाता है क्योंकि उसमें करियर को कभी निर्विवाद नहीं माना जाता कि आर्ट और कल्चर में आप करते हुए सर्वाइव कर पाएंगे और सोसाइटी में कोई जगह बना पाएंगे। उसमें बहुत रेयरली ऐसे लोग, क्योंकि ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो हम लोगों के यहाँ नाटक और नौटंकी और रामलीला और रास इस तरह के फॉर्म रहे जिनको सोसाइटी में कोई निचले तबके के लोग ही किया करते थे, तो शरीफ घरों के लोगों को इस बात से बहुत कन्फ्रंट करना पड़ता है कि वो पेंटिंग बनाएंगे अच्छा कैसे बनाएंगे, उसमें कमाएंगे कैसे, अच्छा पोएट्री लिखेंगे तो कमाएंगे कैसे, ये सारे सवाल हमारे
उस फिलहाल जो अचीवर हमारे सामने बैठा हुआ है उसके भी सामने रहे, और तब उन्होंने कैसे एक एक करके घर में किसने सपोर्ट किया, माँ ने सपोर्ट किया कि पिता ने किया कि चाचा ने किया या किसी ने नहीं किया, आखिरकार उन्हें घर छोड़कर भागना पड़ा। ये सारी कहानियाँ अपने आप में एक इंस्पिरेशनल इंसाइट समेटे हुए हैं। तो जहाँ तक डिज़ाइन की बात है, वो डिज़ाइन इसी तरह ग्रो किया, ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ सोचा गया, ये धीरे धीरे करके ग्रो किया। और कुछ हमारे ही डाउट्स थे जिन्होंने जो क्लियर होते गए, मतलब पहला डाउट तो यही जो आपके पीयर ग्रुप में आपके दोस्त कहते हैं कि अटेंशन स्पैन कम है। अटेंशन स्पैन कम है तो इतने सारे लोग यूट्यूब पर कैसे देख रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली कमेंट्स में एंगेज कर रहे हैं। देखिए, यूट्यूब की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमको एक स्ट्रेंथन कर रही थी। पहले एज अ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन ही था, आज भी है, लेकिन दूरदर्शन के प्रोग्राम अगर आज मान लीजिए 8 बजे जो प्रोग्राम एयर हुआ वो शायद 9 बजे आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। उनके यहाँ पॉलिसी दूसरी तरह की है। इसीलिए पिछले 60 वर्षों में दूरदर्शन ने जो कुछ किया उसका सारा कंटेंट यूट्यूब पर नहीं है, लेकिन राज्यसभा टीवी ने पिछले 12 वर्षों में जो कुछ किया या आज संसद टीवी जो कुछ कर रहा है, टेलीकास्ट टाइम के 1 घंटे के अंदर वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, यानी कि पूरी एक डिजिटल रिपोजिटरी फ्री में आपको अवेलेबल है, जो कि एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर को करना ही चाहिए। और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ही क्यों, बाकी दूसरे कॉरपोरेट हाउसेस भी आज टेलीविजन यूट्यूब के जरिए कंटेंट मोनेटाइज करके उससे उसका एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी देख रहे हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमारे केस में फौरन फीडबैक मिल रहा था, यानी कि जैसे ही हमने वीडियो अपलोड किया उसके बाद वहाँ कमेंट बॉक्स में अच्छा बुरा जो भी है हम एसेस कर पा रहे थे कि हम जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट था जिसमें ये बार बार ये कहा जाता है, आज भी कहते हैं लोग कि आप बोलने देते हैं, और सच बात ये है दर्शक इस बात से बहुत खुश होता है कि जिस आदमी को वो जानना चाहते हैं उसको जान पा रहे हैं, उनको अंदर बाहर अलग अलग 360 डिग्री उस जर्नी को समझ पा रहे हैं और उसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं। एक तरीका हो सकता है कि आप तो सेलिब्रिटी की दुनिया के बड़े आदमी हैं और आपके ही ऑ में आकर हम भी कुछ ऑ में हो जाएं। दूसरा हुआ कि नहीं, मेरे अंदर कुछ जर्नलिस्टिक क्विस्ट है, मैं आपकी जर्नी को एक एज ए जर्नलिस्ट एक्सप्लोर करना चाहता हूं। मैं कोई फिल्मी दुनिया का इनसाइडर भी नहीं हूं कि मुझे एज अ प्रोड्यूसर आपसे कोई फेवर चाहिए, एज एन एक्टर आपसे कोई रिकमेंडेशन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये सिर्फ ये जानना है और अपने दर्शक के लिए जानना है कि आप अगर मिसाल के तौर पर बमन ईरानी हुए या अक्षय कुमार हुए तो कैसे हुए, उस बात को मैं समझना चाहता हूँ। और धीरे धीरे करके ये जो भरोसा है वो इस तरह बना कि अब लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो गुफ्तगू के गेस्ट बनकर सामने आए, मतलब आए उसमें शामिल हों और अपनी कहानी कहें। ये धीरे धीरे करके मैं समझता हूँ कि दर्शकों के इस भरोसे ने ही इस को मुझे एम्पावर किया कि मैं किसी कॉन्वर्सेशन को 25 मिनट 30 मिनट आधे घंटे में ही ख़त्म करने के बजाय उसको और एक्सप्लोर कर सकूं। तो डिज़ाइन का एक जवाब तो ये है। अब आप बताइए, आप सुनते बहुत अच्छा है। जब मैं आपके इंटरव्यूज देखता हूँ और आपके ऊपर कैमरा जाता है तो मैं ये देख सकता हूँ कि आप ये नहीं कर रहे हैं कि आप उसके जवाब के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही जो भी वो बोल रहा है वो चुप हो और आप अपना अगला सवाल दागें, बल्कि आप जो है बहुत ध्यान से सुनते हुए दिखाई पड़ते हैं और आपसे फोन पे बात करते हुए भी ये फील होता है कि एक साइलेंस क्रिएट होता है कि आप कितनी गहराई से सुन रहे हैं। ये कैसे विकसित हुआ होगा सुनना, क्योंकि ये सुनने की क्षमता जो है हम लोगों की बहुत कम है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन आप लोगों का चेहरा देख के मैं यहाँ से समझ सकता हूँ कि कौन कितना सुन रहा है, क्योंकि जब इनके ऊपर कैमरा जाता है और मैं देखता हूँ कि ये सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, और ये पर्सनल कम्युनिकेशन में भी मैं ये देखता हूँ कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो सामने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, और अगर वो नहीं सुन रहा है तो प्लीज नहीं बोलिए। तो ये आपने कैसे विकसित किया सुनने की क्षमता, मुझे पूरा विश्वास है कि ये पिछले 500 एपिसोड में कैसे डेवलप हुआ होगा। एक्चुअली मैं सोचता हूँ कि ये सिर्फ गुफ्तगू के क्रम में ही नहीं विकसित हुआ, वो कुछ एक तो जानने की भूख एक चीज़ होती है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये इमेजिन करना मुश्किल होगा कि हम लोग एक ज़माने में
अखबार में जो लिखा हुआ आता था शहर में आज, आज शहर में क्या होने वाला है, उसको बहुत नियम से पढ़ के उसकी कतरन निकाल लेते थे। आज सुबह उठे, अखबार खरीदा, शहर में आज क्या क्या होने वाला है, उसको काट लिया कैंची से और जेब में रख लिया, साइकिल उठाई, अब शहर में घूम रहे हैं। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़, लिटरेरी फंक्शंस, डिस्कशंस, ये सब होते रहते थे, म्यूज़िक कॉन्सर्ट वगैरह। तो यही काम था, यूनिवर्सिटी की क्लासेस ख़त्म होने या कई बार बंक मार के भी इसमें ज़्यादा दिलचस्पी रहती थी कि अच्छा कहाँ पे कौन सिंपोजियम हो रहा है, सेमिनार कहाँ हो रहा है, कौन म्यूज़िक कॉन्सर्ट कहाँ, कहाँ आज प्ले है, कोई कोई रिहर्सल है कहीं, कोई बड़ा लेखक कहाँ आया है। तो सुनकर सीखना, पढ़कर सीखना तो एक चीज़ थी, सुनकर सीखने का जो की खूबसूरती यह है, जिसको एक एक प्रोफेसर कह रहे थे अभी, प्रोफेसर एजाज अहमद का मैं एक लेख पढ़ रहा हूँ, वो बोलते हैं कि पढ़ाने के बाद मैं कहता हूँ कि पहले इसको समझाओ या बोलो। अगर आपने मन ही मन पढ़ लिया है तो आप आधा ही हिस्सा पढ़ पाए हैं, समझ पाए हैं। जैसे ही आप उसे समझाने को होंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना समझा था। जैसे कम्युनिकेशन में एक पहलू ये भी है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी थॉट को या किसी मैसेज को एनकोड करें, आप लिखें उसको, मसलन कि आपका कोई दोस्त रेलवे स्टेशन पर अभी उतरा हुआ है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और वहां से आप उसे यहां अपने ओखला के इस सेंटर में बुलाना चाहते हैं, और आप उसको शॉर्टेस्ट क्लियर लाउड मैसेज कैसे टाइप करेंगे, आप करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आप अपने थॉट में कितने क्लियर थे, क्या वो मैसेज वैसा ही कन्वे हुआ, डिकोड किया गया आपके दोस्त के द्वारा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और वो चुनौती आप उससे डील तभी कर सकते हैं जब आपने तरह तरह के लोगों को बोलते हुए सुना हो, अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करते हुए, आर्टिकुलेट करते हुए सुना हो। अभी हम जिस समय में रह रहे हैं खासतौर पर, उसमें हम सबसे कम बातें करते हैं आपस में, ये मतलब जब भी अगर आप मेट्रो में बैठे हुए हैं या किसी कार में भी साथ में ट्रेवल कर रहे हैं या पेड़ के नीचे किसी बेंच पर भी बैठे हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने फ़ोन में और आपका दोस्त दूसरे फ़ोन में होगा। तो इस तरह से ये जो आपके मन में क्या चल रहा है, आपके पास वोकैबुलरी कितनी है अपने को एक्सप्रेस करने की, ये भूख ही आपको सुनने की तरफ ले जाती है कि मैं वैसा बोलूँगा जैसा मैं जिसको एडमायर करता हूँ, वाह कितना मधुर बोलता है। हाँ, मतलब पोइट्री में आपकी दिलचस्पी क्यों अचानक होने लग जाती, क्योंकि उसमें कहीं एक ऐसी ऐसा एब्स्ट्रैक्ट एक एस्थेटिक्स उसमें एक छुपा हुआ है कि आपको गानों में और ख़ासतौर पर पोइट्री में, कि वो कहते हैं कि देर तक हाथ हिलाती रही वो शाख हवा में, अलविदा कहने को या पास बुलाने के लिए। अब क्या कर रहा हूं मैं कुछ शब्दों को थोड़े से पॉजेज, उसके अंदर इमोशन, एम्फेसिस शिफ्ट करके, ये गुलजार की एक लाइन है। अब इमेजिन कीजिए, शाख मतलब पेड़ की कोई छोटी सी डाली, आप कहीं दूर खड़े हुए हैं, अब इसको इम्पर्सोनेट कर सकते हैं किसी ह्यूमन पर भी, किसी दोस्त पर, किसी प्रेमिका पर, किसी, तो देर तक हाथ हिलाती रही वो शाख हवा में, अलविदा कहने को या पास बुलाने के लिए। अब ये छोटी सी एक चीज़ है, अगर आपने नहीं सुना हमारी अपनी भाषा के ये सब जो साइलेंसेस, इसके एम्फेसिस, इसके न्यूएंसेस, इसके अंदर इमोशंस, इसके अंदर छोटी छोटी इंगितियाँ, मतलब छोटे छोटे संकेत, ये सब जो छुपे हुए हैं, और ये सिर्फ भाषा में नहीं, जो भी फाइन आर्ट्स हैं, आपके म्यूज़िक है, आपके कलर्स हैं, शेप्स हैं, आपके स्पेसेस हैं, आपके फॉर्म्स हैं, इन सब चीज़ों को लेकर आप अवेयर अगर नहीं हैं, तो मतलब आप कॉन्टिन्यूस अपने ये जो फाइव सेंसेस हैं उनको आप विड्रॉ करते जा रहे हैं या उनको स्थगित करते जा रहे हैं या ब्लंट करते जा रहे हैं। मैंने, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि ये नंदिता दास की माँ वर्षा दास ने मुझे बातों बातों के बीच में बताया, अब यही सब कहानियाँ हैं, अगर मैं इनको ना सुनूं तो मैं खुद भी कोई चीज़ भूल जाऊँगा, मतलब कोई, हाँ उन्होंने कहा कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को रेसेस में ज़मीन पर बैठा दिया जाता था और थाली रख दी जाती थी, थाली खाने की, और एक घंटी बजती थी टंग, तो हम लोगों को वो थाली ऐसे दोनों हाथों से उठाना पड़ता था,
फिर एक घंटी बजती थी टंग, तो वो थाली हमें रखना पड़ता। अब ये क्या है, आपको कानों से मतलब आपने मैसेज को ठीक से सुना, उसी वक्त अपना हाथों और आँखों का ये जो कोऑर्डिनेशन, ये सब जो चीज़ हैं। मैं बहुत छोटा था, एक टिपिक पा भर नाम की एक छोटी सी किताब थी, टिपिक पा भर, तो वो यही कहती टीचर कि पहले अच्छा तुम सो के उठे तो आवाज़ सुनो, सुनो क्या सुन रहे हो, टिपिक, मतलब कोई नल की आवाज़ कहीं, टिपिक 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 पा, कोई पा से हॉर्न बजा, भर से कोई गाड़ी चली। अब ये सुनने की एक दुनिया है आपकी, और ये सिर्फ एक सुनने की ही नहीं है, सुनने से आप बोलना भी सीख पाते हैं। मतलब बहुत लोग सोचते हैं, पूछते हैं कि आप अपनी आवाज़ कैसे ठीक करें, कैसे अच्छा मधुर बोलें, ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब आपने संगीत में कोई रुचि ली है कि नहीं, आपने रंग में कोई ली है कि विजुअल आर्ट में आपने अपने को एक्सपोज किया कि नहीं किया, ये सारी चीज़ें ऐसी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और सुनना भी उसी का एक हिस्सा है। और मेरे केस में तो वो मेरी अपनी निजी भूख है, जिसको तरह तरह की चीज़ें सुनकर आज भी पूरा करता हूँ। और अब तो मैं अपने पॉडकास्ट चैनल पर उस कमी को अपने दोस्तों के लिए पूरा करता हूँ कि जिनके ज़िंदगी में वो कोई हंगर या कोई कमी है, वो मेरे पॉडकास्ट सुनकर उस कमी को पूरा कर लें। पहली बात तो ये है कि जब हम यहाँ स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं लोगों के ट्यूटोरियल या इंटरव्यू, तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग या स्टूडेंट्स, उनको कैमरे से डर लगता है। मतलब वो अपने फील्ड में उनको नॉलेज है, लेकिन जब वो कैमरे के सामने आते हैं तो नर्वस हो जाते हैं। तो हमारे दर्शकों को, आप श्रोताओं को ये बताइए कि ये फियर कैसे दूर करें, कि कल को जब हम इन लोगों को बुलाएं और कहें कि आइए आप कैमरे के सामने अपनी बात रखिए, तो ये अपनी फियरलेसनेस की वजह से अपने उससे जो है आराम से जाके बात कर सके, इसके लिए कोई टिप्स? ये बात असल में देखिए कैमरे से पहले माइक्रोफोन के साथ होती है। अभी देखिएगा, इस माइक्रोफोन को पकड़ने का एक डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस है, और मैं एक खास तरह का वॉल्यूम अपना यूज कर रहा हूं। मैं इसको ऐसे भी यूज कर सकता हूं, राघव क्या तुमको मेरी आवाज आती है? माइक्रोफोन का अपना एक डिसिप्लिन है, जो रेडियो पर यूज करते करते हम लोग ये जो 2.5 इंच का जो स्पीक का जो डिस्टेंस है, अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं, आपको 2000 लोग सुन रहे हैं, तो जिस तरह से माइक के साथ ये दोस्ताना बनाया गया, और उसमें समय लगता है, दो चीज़ें कहते हैं हम लोग को ब्रॉडकास्टिंग में, एक कि आप अपनी आवाज़ खोजिए, आपको अपनी आवाज़ खोजनी पड़ती है। बड़ा शुरू में बड़ा अजीब लगता था कि अपनी आवाज़ कैसे खोजें भाई, ये तो बड़ा कोई वो है, कुछ बाबा जी का मंत्र कुछ हो रहा है, कहाँ से खोजें, है नहीं, लेकिन एक वो होती है, मतलब कहीं पर जाकर आप खुद ही, आप अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स सुनेंगे, जब मैं खुद सुनता हूँ आज से 20 साल पुरानी रिकॉर्डिंग्स, तो वो अलग हैं। आज से शायद 15 साल बाद अपनी आवाज़ सुनूँ तो ये आज वाली आवाज़ शायद, तो वो थोड़ी ग्रो भी कर रही होती है, लेकिन एक समय के बाद आप अगर हेडफोन लगाएं तो वो जो फोल्ड बैक से आप तय कर पाएंगे कि पहले तो कितना वॉल्यूम और पिच कितना रखें, पेस कितना रखें, किस पर्पज से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। अब ये जिस तरह माइक क्या होता है, स्टूडियो में आमतौर पर आप अकेले होते हैं और आपको एज्यूम करना होता है कि कोई लाखों लोग आपको सुन रहे हैं और सुन भी रहे होते हैं, लेकिन ये इनहिबिशन टूटेगा कैसे कि आप वैसे माइक से बात करें जैसे कि आप किसी एक आदमी से बात कर रहे हो। तो हमको सिखाया ये जाता है कि यही है आपका ये श्रोता, ये आपका श्रोता है, इस पर आपको बिलीव करना पड़ेगा कि 5 लाख लोग या 5000 लोग या 2 करोड़ लोग या 100 लोगों के पहले ये आपका श्रोता है। अब आप सोचिए कि ये मेटालिक चीज़ मेरा श्रोता कैसे हो सकती है। अब इसको थोड़ा धीरे धीरे करके आपको कमांड में करना पड़ता है, हो जाता है, मतलब कभी कभी नहीं भी होता, कितना आपने उसमें समय लगाया, कितना आपने कितना पैशनेटली आप अपने इस करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शौक को बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरह माइक्रोफोन के साथ आपकी देर सवेर दोस्ती हो जाती है, और ये क्योंकि माइक ऐसी चीज़ है, जैसे ही फेडर ऑन हुआ और आपको पता चला कि स्टूडियो के बाहर रेड लाइट है, आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, आज भी होता है वो, जैसे कि स्टेज पर आप पहली बार अपीयर होते हैं तो आप पसीने छूटने, तो वो एंग्जाइटी
और लोग कहते हैं कि वो होनी चाहिए, वो हमेशा होनी चाहिए। जिस दिन आपको लगा कि नहीं आप कर लेंगे, इसका मतलब अब आपके अंदर ऐसा कोई ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है जहाँ पर अब गलतियाँ शुरू होंगी। हमेशा जिस काम को हम करते हैं उसको हम उस एक नएपन के साथ हमेशा उस चैलेंज को लेना चाहिए। कैमरे के केस में भी वही है। हम लोग चूंकि देखिए कुछ भी कहिए, हम लोगों का एक कॉलोनियल पास्ट है, हम लोग अपने कुछ फ्यूडल हैंगओवर्स के साथ रहते हैं और अलग अलग लोग अलग अलग तरह के पारिवारिक पृष्ठभूमियों से आ रहे हैं, सबके लिए एक ही फॉर्मूला लागू नहीं होगा। कैमरा एक ऐसा काम करता है कि जो आपको लगता है, आपको बताया गया है या आपका एजम्पशन है कि जो कुछ होगा वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाने वाला है, यानी कि कैमरा आपको जिस तरह देखेगा एक मशीन, वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इसलिए आप अपने आप को बेस्ट जो तरीका हो सकता है आपका उसमें आप प्रेजेंट करना चाहते हैं। हम देखने वाली चीज में देखी हुई चीज देखते हैं एक्चुअली हमेशा, मतलब जो हमारा विजुअल परसेप्शन होता है, हम जो चीज देख रहे होते हैं उसमें हम कोई एक देखी हुई चीज ढूंढ रहे होते हैं। मसलन कि अगर हम किसी एक अच्छे पोर्ट्रेट को देख रहे होंगे, उसमें अगर थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन भी है तो हम उसमें कोई चेहरा तलाश रहे होंगे, या कोई हो सकता है कि राजा रवि वर्मा के केस में अगर आप देखें तो आप किसी देवी या देवता के फिगरेटिव पैटर्न में कोई किसी फिल्म स्टार को तलाश रहे हो, या अगर हम आपसे कहें पेंसिल तो आपकी देखी हुई पेंसिल ही आपको याद आएगी। तो मतलब ये जो हमारा जो सेंसरी वर्ल्ड है वो बहुत कंडीशन्ड है, तो वो कंडीशनिंग ही आपको अपने सेल्फ प्रेजेंटेशन के केस में कॉन्शियस बनाती है। मैं समझता हूँ कि उसको अगर आप कॉन्शियस हैं या आप सचेत हुए कि ये ठीक नहीं हुआ तो आप थोड़ा ज़्यादा इनफॉर्मल हो सकते हैं, या जैसा आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है उस हिसाब से अपने प्रेजेंटेशन को बदल या ढाल सकते हैं। मुझे माइक टेस्टिंग करा रहे हैं आप जी? मैं तो आमतौर पर कहता हूं कि कई बार ऐसा हुआ है जब जेब में पैसा हुआ है। इज द साउंड ओके? अच्छा, तो इसके साथ हम लोग ये बातचीत खत्म करते हैं। और अनु, और मैं यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अगर वो तकलीफों में भी बैठे हैं तो मुझे उस्ताद बिस्मिल्ला खां की याद आती है। उन्होंने कहा इंटरव्यू देने के बाद कि इसको इस तरह एडिट करना इस इंटरव्यू को कि इसको पढ़ने वाला 10-20 ना सही, एक आदमी तो इसको पढ़कर फकीर हो ही जाए। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ बैठे हुए सभी लोगों में वो फकीरी का कोई एक भाव ज़रूर है जिसकी वजह से वो यहाँ बैठे हुए हैं अपने सारे काम छोड़कर। विनोद कुमार शुक्ल एक कवि हुए हैं और उपन्यासकार भी हैं, अभी उनको पेन नबोकोव अवार्ड भी मिला, दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है, सीनियर पोएट और राइटर हैं। उनकी कविता मुझे बहुत पसंद है, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ, मुझे वो नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे।